चुनावी अखाड़े में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। नेटवर्क 10 की टीम मेरठ के सरधाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रही है। सीधे लिए चलते हैं सरधाना विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी मौजूद हैं। धन्यवाद ऋतु। वंदे मातरम। आज चुनावी अखाड़ा पहुंचा है मेरठ के सरधना। सरधना एक ऐतिहासिक नगरी है और इसको कौरवों की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। उसके अलावा शहर की एक विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई हुई है। अभी मौजूदा समय में भी जो विधायक मौजूद हैं वही वहाँ से उम्मीदवार हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बहुत हॉट सीट माना जाता है। हम लोग सरधना में मेरी सहयोगी के साथ मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम पहुंची है यहाँ पर। इस सीट के बारे में और एक चीज बता दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम, वो तीसरी बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। उनकी हैट्रिक होगी या नहीं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि पूरे अगर बात की जाए पूरे मेरठ की सबसे हॉट सीट, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक यह सीट मानी जाती है। इस पर अगर बात की जाए तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं, अगर मेरठ की अगर राजधानी की बात करें तो मेरठ एक ऐतिहासिक शहर है। मेरठ से ही देश की क्रांति की अलग जगह थी और मेरठ ने चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता दिए हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह राजनीति का केंद्र है और इस बार के विधानसभा के जो चुनाव हैं उन चुनावों में किसानों का भी पूरा मसला रहा है। तमाम तरह के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इससे आगे आज सरधना की जो जनता है उससे बात करने के लिए मैं दीप्सी से निवेदन करूंगा। दीप्सी आएं और आकर मोर्चे को संभालें। आओ दीप्सी। थैंक यू राजकुमार जी। और देखिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, तमाम पार्टियां जो हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं जीत के दावे भर रहे हैं। एक तरफ गन्ना किसान गन्ना भुगतान, तो दूसरी तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर विकास के दावे कर रही बीजेपी के लिए यहाँ पर कई सारी चुनौतियां हैं। आपको बता दें 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के खाते में एक सीट गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने उस दबदबे को मेंटेन रखना उसके लिए एक चुनौती है, और दूसरी तरफ सपा को यहाँ पर खाता खोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सपा का खाता यहाँ पर अभी नहीं खुला है 2017 तक। तो अब लोगों की राय जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता जी। आपको क्या लगता है मेरठ में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? इसमें विकास का मुद्दा है, विकास में बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा सभी। किस तरह से विकास हुआ है मेरठ का? मेरठ का विकास सारी सड़कों का है, हॉस्पिटलाइज है सब, शिक्षा का विभाग है, सब चीजों में विकास हुआ है। आपको क्या लगता है मेरठ का विकास हुआ है? हाँ जी हुआ है। कितने हाईवे बने हैं सब गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसमें अखिलेश ने क्या करा था, केवल गुंडागर्दी करी थी, मुजफ्फरनगर का कांड करवाया था, केवल जो है इन्होंने जो है अत्याचार करे थे, केवल जो है इन्होंने अखिलेश ने करा क्या है, केवल अत्याचार करवा और कुछ काम नहीं करा। जब भी यहाँ अखिलेश की गवर्नमेंट आई है इनके समाजवादी, केवल अत्याचार हुए हैं, केवल गुंडागर्दी हुई है और कुछ काम नहीं हुआ है। तो देखिए साफ तौर पर जनता का यहाँ पर कहना है विकास ही मुद्दा होगा, क्योंकि मेरठ का विकास हुआ है और आगे भी विकास हो, इसी के लिए इनका जो कहना, इनकी जो राय है कि बीजेपी को वोट देंगे। आपको बता दें कि सपा की सरकार में यहाँ पर मेरठ कैंट में जो है साइकिल पथ जरूर बना है, लेकिन साइकिल यहाँ पर दौड़ी नहीं। वजह क्या है लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? संकेत सिंह। आपको क्या लगता है मेरठ का विकास हुआ है? बिल्कुल जी, मेरठ का विकास हुआ है, हमारे सरधने का विकास हुआ है। आप देखिए कि अंग्रेजों के जमाने का पुल सरधना का वो टूटा हुआ है, वो माननीय योगी जी ने उसका उद्घाटन किया, हमारे माननीय विधायक जी ने उसका उद्घाटन किया और उस पर काम चल रहा है, आधा वो बन चुका है। अब आप देखिए किसी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली आज तक, और वो हमारी सरकार में वो अंग्रेजों के जमाने का पुल बन रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ का विकास हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब सरधने से मेरठ जाने के लिए टेम्पो भी नसीब नहीं थे, आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उनके प्रयास से सरधना में एसी बसों का संचालन और रोडवेज बसों का संचालन हर 5 मिनट में और 10 मिनट में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो 6 सीटें बीजेपी ने पिछली बार हासिल की थी वो मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा?
हाँ जी, मुकाबला इस बार जो है देखने को मिलेगा आपको, और भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आएंगी क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हमारी सीट आ रही है। रोजगार और शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार की बात करें तो हर आदमी के पास रोजगार है, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के जो सर्दी में इतनी बड़ी मतलब 1000 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है वो सरदना विधानसभा को मिली है, पास में गांव पड़ता है सलावा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 जनवरी को उसका शिलान्यास किया था, तो ये बहुत बड़ी सौगात है खिलाड़ियों के लिए जो हमारे यहाँ के बच्चे नहीं कर सकते, उनको एक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। हरियाणा के बच्चे ज़्यादातर खेल में जाते थे, तो अब उत्तर प्रदेश का बच्चा भी खेल में पहुँचेगा, ओलंपिक्स जाएगा, तो ये यहाँ के स्थानीय विधायक जो है संगीत सोम उन्होंने दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है। आज तक भी आप देखो पहले सपा की सरकार में इतने दंगे होते थे कि इतने दिन सरकार नहीं रही जितने दंगे हुए, और अब 5 साल से जब से योगी जी की सरकार हमारे प्रदेश में है एक भी पत्थर कहीं फेंका हो तो उसका बता दीजिए कि कहीं भी एक भी पत्थर फेंका हो तो सुरक्षा का माहौल चाहिए, महिलाएं स्वतंत्र हैं बिल्कुल, किसी भी समय आ जा सकती हैं। सड़कों की हालत देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे मेरठ जाना पड़ता था हम लोगों को, यहाँ पर इंटर कॉलेज है, डिग्री अच्छी डिग्री लेने के लिए मेरठ जाना पड़ता था, तो सड़क ही नहीं थी, मतलब गड्ढे में 2 घंटे का सफर हमको मेरठ जाने में लगता था, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। इतनी फर्राटेदार इतना बढ़िया एक रोड बना दिया गया है, उस पर उत्तर प्रदेश की पहली AC बसें भी सरना विधानसभा में चलती हैं, तो विकास एक बहुत बड़े आयाम पे यहाँ विकास हुआ है। तो बीजेपी तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो 2 घंटे का सफर था वो अब 15 मिनट में तय होता है, ये विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में। आगे और लोगों की क्या राय है वो भी जानते हैं। आपका क्या कहना है, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? मैं महबूब आलम बोल रहा हूँ। वो जी इसका चुनावी मुद्दा है तो एक तरफ पड़ा है जी, बिल्कुल एक तरफ पड़ा है। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम बना रखा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त भाजपा पार्टी बिल्कुल एक तरफ रखी हुई है, क्योंकि उसने विकास भी कराया, गुंडागर्दी भी दूर करी है, सारे गुंडे बदमाशों को मालियों को सबको बंद कर रखा है, हमारी बेटी बहनों की हिफाजत कर रखी है। और जी हमारे माननीय विधायक जी संगीत सोम जी सुबह 5 बजे उठने के बाद में रातों को भूखे प्यासे 12-12 बजे तक काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो देखिए संगीत सोम का जिक्र इन्होंने किया तो बता देते हैं आपको कि लगातार जो है बीजेपी की तरफ से संगीत सोम ही यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर रखे हैं, और लोग कह भी रहे हैं लोगों के बीच जो है उनकी मौजूदगी हमेशा रहती है, और विकास किस तरह से हो रहा है वो राय के जरिए हम लोगों की राय ले रहे हैं और उसके जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम मेरठ का जिक्र करें तो एक समय था जब यहाँ पर क्राइम रेट काफी ज्यादा हुआ करता था, काफी बढ़ चढ़ करता, फिलहाल अब लोगों से जानते हैं कि क्राइम को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी मेरठ में, अब क्राइम रेट की क्या हालात है, क्राइम रेट को लेकर बहन बेटियां जो कितनी सुरक्षित नजर आ रही हैं? अगर क्राइम की बात की जाए मेरठ में, मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम इस तरह कंट्रोल हुआ है, लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और सबसे जरूरी क्राइम ही कंट्रोल होना सबसे जरूरी था। व्यापार, मैं व्यापारी हूँ, किसान भी हूँ छोटा सा, मुझे सबसे पहले सुरक्षा चाहिए मेरे व्यापार की या मेरी खुद की, मेरे परिवार की। योगी जी ने वो सुरक्षा दी है जिसके अकेले सुरक्षा के दम पर ही, मैं ये कहता हूँ सभी पार्टियों को एक तरफ होके, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ योगी जी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा उनको भी दी है, मुझे अकेले को नहीं दी, सभी को दी है। और रही क्राइम रेट की, क्राइम रेट सबसे बड़ा उदाहरण हमारे मेरठ में सोतीगंज है, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। दुनिया भर की सारे हिंदुस्तान की गाड़ियां वहीं आकर कटती थी, सरेआम कटती थी, और उसे बिल्कुल ऐसा साफ कर दिया, कोई वहाँ रेडीमेड बेच रहा है, कोई वहाँ कुछ काम कर रहा है, कोई जूते बेच रहा है, अपना अपना सबका व्यापार कर रहे हैं, और इतना सुधार आया है क्राइम के तौर पे, दंगा कोई नहीं हुआ है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, उसके साथ दंगा भी कंट्रोल हुआ है, कहीं दंगे के नाम पे दंगा लोग भूल गए। अच्छा आपने कहा व्यापारी और किसान भी हैं, तो किसान को लेकर लगातार विपक्षी दल जो हैं वो इस बार चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, किसान का जो मुद्दा है वो बनाया गया है, किसान का गन्ना बेल्ट है, गन्ने का पेमेंट, गन्ने का रेट 25 रुपये क्विंटल बढ़ा इसी सरकार ने बढ़ाया, गन्ने का पेमेंट जो पुराना पेमेंट था 60% आ चुका, और आज 14 दिन जो कोर्ट कहती है 14 दिन में यहाँ का पेमेंट हो रहा है। मैं किसान हूँ, हमारे यहाँ दोराला शुगर मिल है जहाँ हमारा गन्ना जाता है, और दोराला शुगर मिल ने ये समझ लो आप पूरे जनवरी का पेमेंट कर दिया, 26 जनवरी तक का, तो 26 जनवरी से आज फरवरी है, 6 फरवरी, वही 14-15 दिन बैठते होंगे, तो पूरा पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और है ना जी। ठीक है, आप भी बताइए अपनी राय दीजिए, आप किसान आप कह रहे हैं? हाँ जी सब बढ़िया चल रहा है, पेमेंट सही आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो ये जुमले दे रही है सरकार कि हम
बिजली फ्री कर देंगे। हम जो है मीडियम तबके के लोग हैं और मैं बताना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि आलम ये था, अगर जो हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 50-50 रुपए इकट्ठा करके वो ट्रांसफार्मर एक महीने में आता था, जब तक सभी के बच्चों के एग्जाम हो जाते थे जब वो ट्रांसफार्मर आता था। और ये आलम था, ये तो पहले सपा की सरकार में तो कभी लाइट ही नहीं आई, 2-3 घंटे लाइट आई, अब देखो 20-22 घंटे लाइट आ रही है। मेरे घर में जनरेटर है, मैंने पिछले 5 साल से उसमें आज तक हत्ती नहीं मार के देखी, इतनी बड़ी लाइट आ रही है कि इन्वर्टर भी किसी का डाउन नहीं हो। मैडम तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जो राय है वो यही कि बीजेपी सरकार में विकास हुआ है और इस बार भी चुनावी मुद्दा विकास ही होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगा। तो जिस तरह से लोगों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आगे और भी जो लोग हैं यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय होगी। विकास के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले खड़े हों या किसी भी पार्टी के अन्य नेता खड़े हों, यहाँ हर किसी के मन में पता है, हर किसी के परिवार को पता है इस प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी का काम, जो लोग दूसरी पार्टियां कहती है ना ध्रुवीकरण की राजनीति करती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को राशन दिया है तो मुस्लिम को भी बराबर दिया है, हिंदू को भी बराबर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, 5 लाख रुपये का बीमा जिसमें है हेल्थ का, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, सबको बराबर मिला है। अगर मैं सरधना की बात करूँ, सरधना में अगर नगर में 300 मकान बनाए गए हैं ना उन प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनमें से 250 मकान मुस्लिम होके बने हैं और 50 मकान हिंदुओं के बने हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ये राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या बरगला रही है, समाजवादी पार्टी वाले घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिमों के घर में जा रहे हैं और वहां जाके ये प्रचार हो रहा है कि आप बचिए, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको भूखा छोड़ देंगे अगर हिंदू रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ये समाजवादी पार्टी इन लोगों को डराने का काम कर रही है, इनको बहकाने का काम कर रही है। देखिए है क्या, पहली बार जो हमारा इलेक्शन हो रहा है, मात्र क्षेत्र पे नहीं हो रहा, उसके अलग अलग आयाम है, क्षेत्र के साथ में राज्य पे हो रहा है और केंद्र सरकार के काम पे हो रहा है। अगर माननीय योगी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं सरधना नगर में बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं जैन मिलन से जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ, उसके माध्यम से हम यहाँ आपके काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स देते थे। उन मेडिकल कैंप्स में जो है विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम आईज का ऑपरेशन कराते थे, अन्य सुविधाएं हम प्रदान करते थे। लेकिन पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो आयुष्मान कार्ड आया है उस कार्ड का इतना बड़ा प्रभाव है क्षेत्र में कि हमें वे कैंप्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जो हम बात करते हैं दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, जो बेरोजगार हैं, आप देखिए बेरोजगारी का मसला कहाँ से आता है। पिछले 5 साल में सरकार ने जो है 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरी के अलावा आप ये मान के चलिए पिछले 5 साल में MSMEs के लिए जो लोन दिए गए हैं वो किसे दिए गए हैं, वो छोटे समाज को, मध्यम वर्ग के समाज को दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार लोगों की ये राय है कि विकास जो है काफी ज्यादा मेरठ में हुआ। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि मेरठ का इतिहास किस तरह से रहा है, क्योंकि मेरठ के इतिहास में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल इन्हीं से जान लेते हैं कि मेरठ में किस तरह से विकास हुआ है। मैडम ऐसा है, मेरठ में काफी विकास हुआ है और सबसे पहली बात तो यह है हम अगर सुरक्षित हैं तो हम विकास भी करेंगे, सब काम होंगे। जब सुरक्षित ही नहीं होंगे तो काम कर लेंगे। मैं तो ये मानता हूँ आप यहाँ कैमरा लिए खड़े हुए हैं, वो भी टाइम था जब पत्रकारों के कैमरे छिले, वो भी टाइम था। तो सबसे पहले मेन चीज है सुरक्षा, और आज बहन बेटियों की सुरक्षा जो है सब सर्वोपरि है, वो हो रही है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। लोग क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता भाई, सब शासन सबने किया है, सपा ने भी शासन किया है, कई कई योजना किया है, मुझे एक भी वो बता दिया भाई वो काम किया है। आज सब लोग सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें सुरक्षा चाहिए, बाकी हम और कुछ नहीं चाहिए। बहन बेटियों का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महिलाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में भी है, और यहाँ पे आप महिलाओं से भी जानकारी कर लेना कि यहाँ पे हमारे विधायक संगी सोम, जब से संगी सोम आए हैं तब से यहाँ आदमी कितना सुरक्षित है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, वे गर्व महसूस करती हैं। ठीक है, तो ये भी है जो कविता के माध्यम से कुछ बात कहना चाह रहे हैं। एक बार सभी मिलकर भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के। देखिए आप अपनी बात रखिए।
मैं कुछ पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ योगी जी के लिए, कुछ पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखिए अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए, लेकिन साथ ही अपने सहयोगी राजकुमार से भी कहना चाहूंगी कि वो आगे बातचीत को बढ़ाए। और लोग कुछ लोग एग्रेसिव भी हो रहे हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, बताओ महंगी सरकार है, ये सरकार महंगी है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। आप प्रो मत दिखाइए, ये बीजेपी के लोगों की सुन रहे हैं आप। आप बताओ आप अपनी बात, महंगाई लाइव डिबेट में बताओ, महंगाई चरम पे है। एक पार्टी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लोगों को ज्यादा महत्व देना एक अलग है। और सुनो एक मिनट, जो आप सुनो एक चाह रहे समाजवादी लोगों को, आप समाजवादी लोगों को सुनना नहीं चाह रहे। अपनी बात हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेकर आए। सुनो सुनो, सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 900 रुपए का है, हम जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, आप सुनना चाह रहे हैं ना, तो आप एक तस्वीर में सुनिए। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, आप दोनों तक सुनिए। कहो ना आप, बात कर लो, मैं तुमसे बात कर लो। विकास तो ऐसा हुआ, सुनिए ना, तो बताओ क्या कहना, मुद्दा क्या है, चुनाव का मुद्दा क्या है। सुनिए, बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल 70 रुपए का मुद्दा ये है कि विकास 900 रुपए का है, बेरोजगारी मुद्दा ये है कि विकास नाम से इतनी नफरत हो गई, जाके चेक कर लेना 2017 के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखा, इतनी नफरत हो गई। सरदना में जो ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कल एक व्यापारी के या बीजेपी व्यापारी के या चोरी हुई है उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एसडीएम कार्यालय से चोरी हो जाती है, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 5 दिन पहले यहाँ पर बताइए, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप बताइए, आपके साथ मातृशक्ति है जो एंकर है, क्या वो सेफ है? आपने बहु बेटियां जला दी इस सरकार ने चिता पे, और आप बताइए अभी भी मर्डर हो रहे हैं, कोई कोई बताओ क्या कहो, मुद्दा कोई है? चुनाव मुद्दा था, चुनाव तो अतुल प्रधान को जानते हैं जी, बस अतुल चुनाव होगा, अतुल प्रधान जी के पक्ष में है और अतुल प्रधान जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं नहीं पूछा आपसे आप किसके पक्ष में, मैं किससे नहीं पूछ रहा, मैं केवल आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होगा और बदलाव हो रहा है। अब कई बार जनता बदलाव चाहती है, इंशाल्लाह अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। ये जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सरदना वो जमीन है कि जहाँ एक दलित बेटी को फूंक दिया। अच्छा बाबू जी सुनो, आपके पास जीवन का अनुभव है, आप सरदना में आइए, जो मौजूदा राजनीति है, इस चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेटियों की बेइज्जती, इज्जत खराब, भाजपा के लोगों ने जो है जीना भारी कर रखा, गरीब आदमियों को खाने को टुकड़ा तक का समाजवादी पार्टी। तुमसे उम्र में बड़े हैं, उन्हें बोलने दो, उम्र में बड़े हैं, बिकाऊ है। देखिए सुनो, एक मिनट, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा, आपके महंगाई और बेरोजगारी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी डिबेट चल रही थी दूरदर्शन चैनल पर, और उन्होंने सवाल करा था बाबर चौहान से, जिसका नाम भी डुप्लीकेट है, जिसका नाम ही डुप्लीकेट। सुनिए अपनी बात कहो, अपनी बात कहो, आरोप मत लगाओ अपनी। हमने वो सरकार भी देखी है जब तुम 10 लोग एक नहीं हो पा रहे, 10 लोग एक नहीं हो पा रहे। नहीं देखो, पॉइंट टू पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ, जब तक पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं होगी किसी चीज की, जब तक तुम चुनाव का मुद्दा बताओ, अपना नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ, भैया ने कहा कि बिजली भाजपा सरकार में बिजली आई है। मैं पूछता हूँ, मैंने वो दिन देखा है जब बिजली दिन का और रात का हफ्ता आती थी बिजली, वो दौर भी देखा है। और ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हत्या प्रदेश है। इस प्रदेश में विकास प्रदेश है, आप देखोगे सब मुद्दों को खत्म कर दी जा रही है। आप सुनिए, आप समाजवादी, आप कहिए चुनाव है, चुनाव का मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये महिला क्या मुद्दा, ये महिला गुंडागर्दी चरम पे, सुनने नहीं चाह रहे हो? बहिष्कार। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात कही कि मुलायम सिंह की सरकार में समाज सरकार कितने दंगे हुए, जब दंगा करने वाले सरकार बने, दंगा कौन करेगा? ये भाजपा ही है, दंगे करने वाले ये हैं।
भैया आप अगर 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 ये लोग विकास की बात करते हैं तो हम के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? ये क्यों कहते हैं कि अयोध्या का राजनीतिक काशी बुलाएंगे मत बुझाएंगे? क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं देखिए सबसे पहले ये है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। किसान किसान के मुद्दे पे क्या कहोगे? किसान का भी मुद्दा है जो MSP पे कानून लागू नहीं करा ये है ना। हाँ जी ये जो है बताओ बताओ बताओ। देखो मसला ये है ना, सुन लो सुन लो पहले ना सुन लो। सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहले बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सबसे मामला बढ़िया जो है कानून व्यवस्था है। मैं आपको सरने की बता दूं कि सरने के अंदर इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की को जला दिया गया हो। यहाँ पे एक लड़की को जितना जला दिया गया था इनके गुंडों ने, आप मालूम कर लो। कार्रवाई हुई, सब खुले घूम रहे हैं, सब खुले घूम रहे हैं। मुलाई ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता हो वो अखिलेश यादव हो, हमारे मंत्री अखिलेश यादव हो। भैया आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर? विकास होना चाहिए, विकास 10 साल से इसमें है नहीं। सरदाना में सरदाना को जरूरत है। मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ। सरदाना को जरूरत है शिक्षा की, सरदाना को जरूरत है रोडवेज की, परिवहन की। यहाँ नहीं है संचालन, 7 बजे के बाद अंधेरा है। यहाँ मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सड़कें हैं, यहाँ सड़कें हैं, सड़कें नहीं है। जो सड़क अतुल की देन है वो जो बनी हुई है नानू जहाँ से आए, आप सरदने का जो है बनके यहाँ बस स्टैंड के लिए जमीन हड़प ली जाती है, कोई बस स्टैंड नहीं बनाया यहाँ से। आज तक रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। बताओ क्या विकास करा इन्होंने? इनकी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं किया था, सिर्फ जमीन हड़पी है इन्होंने, कोई सवाल नहीं पूछा। आप चुनावी मुद्दा बताओ, आप तो गाली मीडिया को गाली देने के अलावा आपके पास कोई काम है? आप बताओ बताओ, आप मुद्दा बताओ, चुनाव का मुद्दा बताओ, चुनाव में मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी और क्या नाम है, ये जो जंगल राज बना हुआ है उत्तर प्रदेश। अभी मैं सरधना की बात करो, सरधना की बात बता रहा हूँ। यहाँ हमारा पुलिस चौकी के बराबर में पुलिस चौकी के बराबर में मात्र 50 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक नौजवान की हत्या कर दी गई अभी 3 दिन पहले। तो ये भाजपा शासन है, सुशासन है या जंगल राज कहेंगे आप इसे? ये जो कह रहे हैं इस बात से इत्तेफाक रखते हो? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़कर सरधना में सारे मुद्दे हैं। इस बार हिंदू मुस्लिम पे कोई चुनाव नहीं होगा, भाईचारे का चुनाव होगा, गठबंधन का मामला होगा। और दूसरी चीज जो बीजेपी वाले बार बार, अभी एक लड़के की हत्या कर दी गई है, उस मुद्दे पर इन लोगों ने जो है धरना तक दिया और सरधना को सुलगाने का नाम काम किया गया। अब उसमें जो है बार बार वही हिंदू के लड़के उठाए जा रहे हैं जबकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जिस सड़क पे आप खड़े हैं भैया, एक मिनट, समाजवादी पार्टी परिवारवाद का दूसरा उदाहरण है। आप बाप हैं, दोनों बेटे हैं, या डिबेट में सारे परिवार वाले खड़े हैं। दूसरी चीज, 2013 के दंगे और दहशत पश्चिम उत्तर प्रदेश से बुलाई नहीं गई है। 2013 में लोगों में दहशत इतनी ज्यादा थी, समाजवादी पार्टी ने हिंदू नेताओं को देश की पहली मोब लिंचिंग गौरव और सचिन की पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई थी। और यहाँ लाशों का ढेर लगाया गया था और हिंदू नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा गया था। नेटवर्क 10 का मैं संजय बात, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वाभाविक है क्योंकि दौर होता है हर चीज का और अपनी बात को कहने का एक सलीका होता है, तरीका होता है। लेकिन क्योंकि चुनाव का दौर है और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे, आप एक लेमैन हैं, ये जो दौर है कहिए। एक बात बताओ जी मुझे, जब से मैंने होश संभाली इस देश में बम पटके थे, पहला हर गाड़ी पर, हर रोडवेज पर यह लिखा होता कि सावधान, इसमें बम हो सकता है लवारिस वस्तु में। जब से मोदी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, अब तक यह मुद्दा कहां गया जी? तो इसलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है, मोदी और योगी इस देश में जी। क्या कहेंगे बाबूजी? बाबूजी सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, हर तरह से बहु बेटी की सुरक्षा है, सब तरह से रोड बहुत बन गई है, विकास बहुत हो रहा है, सबका विकास, सबका सुनो सुनो, सबका विकास है, सबका प्रयास और सबका विश्वास, बहुत बढ़िया सर। भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल निश्चित तौर पर। सरधना में राजनीतिक सरगर्मी पूरे दबाव पर है, लोग अपनी बात को अपने लहजे में कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, 10 मार्च को क्या पिटारा खुलता है देखना बहुत दिलचस्प होगा। सरधना से मेरी सहयोगी
दीप्सी और कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, सरधना। तो मेरठ के सरधना विधानसभा सीट का हाल आपको दिखा रहे थे, जहां मिला जुला असर के साथ साथ हताहत की स्थिति तक पैदा हो गई है और इसमें तमाम मुद्दों को यहां पर उठाया जा रहा है, जिन मुद्दों पर बहस करना बेहद जरूरी है। लेकिन अब 10 मार्च का ही समय बताएगा जब परिणाम आएंगे कि अब आने वाले समय में एक बार फिर क्या बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाती है या फिर चुनावी रण में कौन अब हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।